नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। आज के इस केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमने पात्रों के साथ साथ स्थान का नाम भी बदल दिया है। हथियार पकड़ा हाथ कांप रहा था। दबाओ घोड़ा, घोड़ा दबाओ। पर हत्यारे को अपना काम करना ही था। क्या हत्यारे ने एक जान ली या फिर उसे एक जान लेने के लिए मजबूर किया गया? आज बड़ी जल्दी चल दी कॉलेज के लिए। अरे हाँ, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं। पर आप कहाँ जल्दी है? वो मालवा एरिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक है। ठीक है, मैं निकलती हूँ। Okay. देर हो रही है। बाय बाय। हेलो, मालवा एरिया पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम निकल रहे हैं अभी। हम साथ चलें? ना, जरूरत नहीं है। नरेश भैया, हम तो यहाँ आपके ही कहने पर आए हैं ना। सफाई देने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? भीड़ कहाँ है जमा? लगता है कुछ हुआ है, लगता है कोई गड़बड़ है। चलो हटो, हटो हटो, पीछे हटो, चलो चलो पीछे पीछे पीछे। जा चुके हैं सर, चेक चेक कर उनके। नरेश जी, नरेश जी, कौन है ये? आप इन्हें नहीं पहचानते? नरेश जी हैं, अपने नरेश जी। नरेश शर्मा, आईपीपी जिला अध्यक्ष। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ, और आप घर वालों को खबर कर दीजिए। राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर मालवा रोड पर राजनेता नरेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोली की आवाज से कई दस्तक गूंज उठी। कुछ दस्तक पुलिस को मंजिल की राह दिखा रही थी और कुछ पुलिस को गुमराह कर रही थी। दरअसल हम कोनो काम से मालवान गए थे, जयेश नाथ जी भी हमारे साथ थे। जब हम फतेहपुर लौट रहे थे तो रास्ते में देखा कि भीड़ जमा है। उतर कर देखे तो मिस्टर नरेश शर्मा के साथ करीबी रिश्ता था आपका? ये परिवार की तरह थे, भाई से भी बढ़कर मानते थे हमको। 20 साल से उनके घर में आना जाना था। मालवान में उनकी कुछ जमीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते थे। ये जयेश नाथ जी कॉन्ट्रेक्टर हैं, यही वो काम करने वाले थे। मिस्टर नरेश शर्मा मालवान आ रहे थे या जा रहे थे? कुछ खास काम था उनको? जा रहे थे या आ रहे थे हमें नहीं मालूम,
हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका मालवान जाने का कोई प्रोग्राम था। हमेशा हर बात हमें बताते थे, पर इस बार तो अजीब है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। मम्मी मम्मी क्या क्या हुआ पापा को? मम्मी बताइए ना। मनोज चाचा आप बताइए ना क्या हुआ है? बेटा मर्डर हो गया है तुम्हारे पापा। क्या कैसे? डॉक्टर साहब का शव कब तक मिलेगा? कृपा करके आप लोग शांति बनाए रखिए। पोस्टमार्टम चल रहा है और ये हॉस्पिटल है, यहाँ दूसरे पेशेंट भी हैं। देखिए वो हमारे नेताजी हैं, हमें उनका शव देखना है। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, पोस्टमार्टम जारी है, एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाने दीजिए, फिर उनका शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। बुलेट पीठ में फायर की गई, देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक गोली चलने वाला देसी कट्टा। लगता हमला अचानक से किया गया, मिस्टर शर्मा को पता नहीं चला। नहीं ये कहना मुश्किल है क्योंकि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है, यानी सिर्फ एक फीट की दूरी से। मेन बात यह है इंस्पेक्टर कि इनकी मौत इस गोली के कारण नहीं हुई। व्हाट? तो फिर कैसे हुई? गोली मारने के अलावा इनका गला दबाया गया। ये देखिए इनकी मौत सांस रुकने से हुई है। कोई फिंगरप्रिंट्स? जी नहीं, क्लीन जॉब था। लगता है कि गला दबाने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। यह हत्या काफी सोची समझी साजिश है। एक और अजीब बात है इंस्पेक्टर। क्या? विक्टिम के ब्लड सैंपल में नींद की गोलियों के ट्रेसेस थे। इसमें अजीब क्या डॉक्टर, अक्सर लोग नींद की गोलियां लेते हैं। ट्रेसेस नॉर्मल से ज्यादा है इसलिए अजीब बात है। उतना ही नहीं इंस्पेक्टर, ये टेस्ट बता रहे हैं कि नींद की गोलियां कत्ल के कुछ मिनट पहले ली गई है। जी नहीं, ना ही कोई घाव का निशान है और ना ही कोई झड़प का निशान है। आप लोग बॉडी देख सकते हैं। सर हम मर्डर स्पॉट की सारी छानबीन कर रहे हैं लेकिन अभी तक ना कोई कट्टा मिला और ना ही कोई गोली। लगता है नरेश शर्मा किसी से मिलने के लिए रुके होंगे और वहीं पर अटैक हुआ। लगता तो ऐसे ही है सर, बाइक भी सड़क से 20 फीट दूर पड़ी हुई है, लगता है वहाँ पे किसी ने धकेल दी होगी। बॉडी पर कोई और चोटों के निशान नहीं है, अगर बाइक चलाते हुए गोली लगी होती तो गिरने के बाद और भी चोटों के निशान होते। गोली पॉइंट ब्लैंक पर चलाई गई। हमसे कह के गए थे कि मालवान जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने। किसी का नाम लिया था उन्होंने? इतना ही कहा था कि कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं। निकलने के दो मिनट पहले एक फोन आया था साहब उनको। हेलो, आपको पता है किसका फोन था? नहीं साहब, फोन के बाद हमने नरेश भैया से कहा कि हम भी संग चलेंगे पर भैया ने मना कर दिया। तो आप भाई हैं उनके? वो हमारे पिता समान थे साहब, वैसे हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। मिस्टर नरेश शर्मा की बॉडी कल तक मिल जाएगी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसी खत्म हो जाएंगी थाने से फोन आ जाएगा, एम्बुलेंस गाड़ी जो भी है वो लेकर आ जाएगी। मालवान में कार्यकर्ताओं की बैठक आज सुबह? नहीं सर, नरेश जी के शेड्यूल में ऐसा कुछ नहीं था। शायद अपने आप किसी से मिलने गए हो, किसी पॉलिटिकल लीडर से या फिर किसी गुट से। नहीं सर, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरेश जी ने कोई भी मीटिंग की हो और उसकी जानकारी उन्होंने अमिताभ जी को ना दी हो। ये तो नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब कि उनकी पार्टी की कोनो मीटिंग हो और हमें ना पता हो। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो मालवान जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है,
और निकलने से पहले उन्हें एक फोन भी आया था। ये बात तो हमें अटपटी लग रही है। क्यों? भाभी जी, हमारा मतलब नरेश जी की धर्मपत्नी कविता शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अध्यापिका है। तो बात ये है इंस्पेक्टर साहब कि हमारे भैया जी ने राजनीति की कभी कोनो बात भाभी जी से नहीं की, इसीलिए हमें अटपटा लग रहा है कि उन्होंने भाभी जी से ऐसा कहें कहा कि वो पार्टी मीटिंग के लिए मालवान जा रहे हैं। तो मिसेज नरेश शर्मा, यानी कि आपकी कविता भाभी जी झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे थे कि अचानक उन्होंने ये बात कहें कही, और भैया जी को मालवान में क्या काम था। शायद यहाँ किसी से मिलने वाले थे, इसलिए बाइक रोककर इंतजार कर रहे थे। और जो भी बंदा आया था उनसे मिलने, उसने बातों में लगाए रखा होगा। और हो सकता है दूसरा बंदा वहां उन झाड़ियों के पीछे छुपा हो, उसने वहां से नरेश शर्मा की पीठ पर गोली चलाई। सर, तो वो यहाँ ऐसे गिरते, लेकिन लाश तो वहां उन झाड़ियों से मिली है जो कि काफी दूर है। घसीट के ले गए होंगे, झाड़ियों में किसी का ध्यान इतनी आसानी से नहीं जाता। अगर घसीट के ले जाते तो यहाँ कुछ ना कुछ खून के धब्बे या निशान होते हैं। मिस्टर शर्मा पर गोली चला गई थी, काफी खून बहा था उनका, कम से कम यहाँ रोड पर कुछ खून के निशान तो मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं। सर, हो सकता है मैं गिरने से पहले किसी ने पकड़ लिया और लाश यहाँ झाड़ियों में डाल दी हो। लेकिन क्यों, किस लिए? और मरने से कुछ ही मिनटों पहले मिस्टर नरेश शर्मा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी। सर, नरेश शर्मा ने नींद की गोलियां खा के बाइक चलाई होगी, ये बात मानना मुश्किल है। जबरदस्ती किसी ने गोलियां खिलाई, लेकिन क्यों, आखिर ये माजरा क्या? और वो लास्ट कॉल मिस्टर नरेश शर्मा को किसने किया? नरेश शर्मा का मोबाइल ड्यूअल सिम कार्ड वाला है और मैंने दोनों नंबर से कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। लोगों ने जो कुछ भी हमें बोला है उनमें से कोई ना कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, और झूठ के धागों से बहुत बड़ी कहानी बुनी जा रही है। पॉलिटिकल लीडर नरेश शर्मा के मर्डर का रहस्य अब और गहरा होता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन जोरों से चल रही थी और एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालों की गहरी खाई को भरने के लिए अभी कई जवाब मिलने बाकी थे। नरेश जी को कौन नहीं जानता था साहब, और मेरे तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आप ही से इनकी गोलियां लेते थे? नहीं, कभी नहीं, खुद तो कभी नहीं खरीदे और ना ही कभी उनके घर पे डिलीवरी हुई। मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था भैया को। नींद की कोई प्रॉब्लम थी? नींद की गोलियां लेते थे? नहीं, कभी नहीं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उसकी दवाइयां लेते थे, पर नींद की गोली कभी नहीं ली। कविता जी, उस दिन सुबह मालवान में कोई पार्टी मीटिंग थी ही नहीं, हो सकता है आपके पति वहां किसी और से मिलने गए। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये मर्डर प्लान था। मिस्टर नरेश शर्मा को फोन करके मालवान बुलाया गया था और वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई मिला, वहीं पर उनका कत्ल हुआ। अजीब बात यह है कि कत्ल के कुछ ही मिनटों पहले उनकी बॉडी से ढेर सारी नींद की गोलियां पाई गई, फिर कट्टे से पीठ पर एक गोली चलाई गई। लेकिन अजीब बात यह है कि उनका कत्ल हुआ है गला दबाने से। अब जाहिर सी बात है कि सवालों की कमी नहीं होगी मेरे पास। सर, इतना याद रखिए कि मेरे डैड एक सेल्फ मेड मैन थे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से खूब मेहनत कर करके पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे थे। बहुत अच्छी बात है मुकेश, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि आदमी जितना बड़ा होता है उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे डैड की किसी से दुश्मनी नहीं। क्या कभी किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी या कोई दुश्मनी? ऐसा तो भैया ने कभी कुछ नहीं बताया। उनकी तो किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सबसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। कविता जी प्लीज, इतना बेवकूफ मत समझिए आप हमें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप कस्बे में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे उनकी बहुत जमती थी।
साहब, पहली खबर यह है कि नरेश शर्मा और उनकी पत्नी कविता के बीच में काफी अनबन थी। पार्टी वाले गुसर पुसर कर रहे हैं। किस बात को लेकर अनबन थी दोनों में? वो मनोज जा जो है। नरेश भैया, हम तो यहाँ आपके ही कहने पर आए हैं ना, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? ये मनोज और नरेश शर्मा का दूर का रिश्तेदार होने के अलावा कुछ और भी लेना देना था दोनों में? 10 साल से मनोज वहाँ पे रह रहा है उनके घर पे। नरेश जी ने खुद बुलवाया था रहने। क्यों साहब, सियासती मामलों में सबसे अहम चीज क्या होती है? भरोसा। और आमतौर पर इंसान अपने खून के रिश्ते पर ही ज्यादा भरोसा करता है। तो इस खून के रिश्ते से भरोसा उठा कब? कुछ 1-1.5 साल पहले हुआ साहब, पर मनोज झा वहां से हिला नहीं, चिपका रहा। कुछ और? मालवान में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी नरेश शर्मा जी ने, कुछ बिल्डिंग बना रहे थे वहां पे, और फतेहपुर चौक मार्केट में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है उनकी। पार्टनर काफी तगड़ी पार्टी है उनका। कौन? कुरेशी साहब। दोनों के बीच में काफी अच्छी बनती थी, लेकिन 6 महीने पहले कुछ हुआ। क्या हुआ लतीफ, जल्दी बोलो। वो जो रेडीमेड कपड़े की दुकान थी, कुरेशी साहब को बेचनी थी और नरेश जी उसके खिलाफ थे। लेकिन नरेश शर्मा की पत्नी तो कह रही थी कि उनके पति की सक में साथ पट्टी है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब, वो अमिताभ तिवारी है ना, उसके पेट में कई राज छिपे है, नरेश शर्मा जी के सबसे करीब वही तो थे। मम्मी, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। देखो बेटा, जो हुआ उसे हम सब भुला नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि तुम दोनों जमकर पढ़ो और उसमें कोई रुकावट ना आए। मम्मी, आप भी जल्द से जल्द कॉलेज वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, पढ़ाने में बिजी रहेंगी तो डिप्रेशन से दूर रहेंगी। बेटा, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, मनोज चाचा है ना यहाँ पर, भाभी जी की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। चलो अमृता। वैसे ये वक्त ठीक नहीं है ये बात करने का, लेकिन जरूरी है, बाद में बहुत मुश्किल होगी। क्या? इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने का है, जल्द से जल्द, ऐसे मामलों में बाद में वक्त लग जाता है। सर, सारे कॉल छान मार रहा हूँ। लास्ट कॉल का क्या स्टेटस? सर, ये नंबर 444-687-890 स्विच्ड ऑफ दिखा रहा है, सर्विलेंस पे डाल दिया सर। मुझे लगता है ये आखिरी कॉल। ये नंबर इस मर्डर केस के बंद संदूक की चाबी है, और दूसरी चाबी है अमिताभ तिवारी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी खबर बिल्कुल करेक्ट है। भैया जी नहीं चाहते थे कि मनोज झा उनके साथ काम करे। क्यों? भैया जी उनके काम से खुश नहीं थे। 10 साल के बाद भी ऐसी नाखुशी का कारण? इंस्पेक्टर साहब, आप खोज कर रहे हैं? एक एक करके सब कुछ, लेकिन सबसे पहले ये कि निकाले जाने के बाद भी मनोज झा उनके घर में क्या कर रहा है। भैया जी, हमारी मानिए तो ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मनोज झा एक छोटा आदमी है। छोटा आदमी? छोटा आदमी? साला मेरे ही घर में घुस के बैठा हुआ है काम से निकालने के बाद भी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी साथ दे रही है उस साले का। भैया, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो हम चले जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं, जाओ तुम। मनोज, चलिए बैठिए, खाने के बीच में से इस तरह से नहीं उठते। चलिए बैठिए और खाना खाइए। और जी, अब इन्होंने ऐसा क्या किया? क्यों जाएंगे ये घर छोड़कर? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। मनोज, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये भी कोई बात हुई? हर बात पे आपकी मनमानी नहीं चलेगी। 9 साल पहले आप खुद इन्हें यहाँ लेकर आए थे, पार्टी की, इस घर की सारी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं, और आज अचानक आप कह रहे हैं चले जाओ, क्यों? सीधी सी बात है, हम इसे यहाँ पर लेकर आए थे और हम ही इसे यहाँ से निकालेंगे, समझी तुम? देखिए, हो सकता है कि इनकी आपकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं इन्होंने, हमें इनकी जरूरत है, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। भैया जी, कोनो परेशानी है, कोनो बात का डर है तो आप हमसे कहिए ना, हम है ना।
कौन सी परेशानी और किस बात का डर था मिस्टर नरेश शर्मा को कि वो मनोज झा को दूर करना चाहते थे? देखिए इंस्पेक्टर, कुछ बातें बहुत नाजुक होती है, बोलना तो दूर सोची भी नहीं जा सकती। पुलिस के लिए नहीं, हम सोचते भी हैं और बुलवाते भी हैं। तो सबसे पहले आप ये बोलिए कि कविता जी का मनोज झा के साथ कुछ चक्कर चल रहा था? ठीक है इंस्पेक्टर, ऐसी कोनो बात कभी खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन हाँ भैया जी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन असली डर किस बात का था? यही कि मनोज झा उनकी जगह ले लेगा। कहाँ की जगह? अब घर और पॉलिटिक्स अलग तो नहीं है इंस्पेक्टर। क्या वाकई मिस्टर नरेश शर्मा को इस बात का डर था कि मनोज झा उनका घर और उनका काम दोनों के लिए खतरा बन गया? डर तो डर होता है और अक्सर असलियत से उसका कोनो वास्ता नहीं होता। यही दुकान है साहब, 6 महीने से बंद पड़ी, कोई धंधा ही नहीं है। उसके पहले साहब 4 साल पहले जब नरेश भाई और कुरेशी साहब ने मिलकर ये दुकान खोली थी तो उस समय तो मतलब लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई थी। मतलब पूरे मार्केट में इकलौती ऐसी दुकान थी जहाँ दूर दराज से लोग कपड़े खरीदने आते थे। फिर क्या साहब, अब ग्राहकों की भेड़ चाल तो धंधे के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर धंधे वाले खुद भेड़ चाल पर उतर आए तो मतलब शामत आ गई। मतलब साहब अब इनकी दुकान की तो निकल पड़ी थी, लेकिन और भी तो दुकान वाले थे, उनकी सुलग गई, उनको लगा हम कैसे पीछे रह जाएं। तो साहब धीरे धीरे मार्केट में एक के बाद एक दर्जनों दुकान खुल गई कपड़ों की। सोचो आप, नरेश भाई और कुरेशी साहब को कितना जबरदस्त नुकसान सहना पड़ा होगा। इस नुकसान को लेकर कभी कुरेशी और नरेश शर्मा के बीच में कुछ कहा सुनी या बहस कुछ तुमने देखा सुना हो? साहब इसकी अप टू डेट खबर आपको सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? मुरलीधर। ये कौन है? साहब वही तो ये दुकान चलाते थे। मतलब मुरली भैया को आप इन दोनों के बीच का रेफरी समझ लीजिए, ये दोनों लड़ते रहते थे और मुरली भैया दुकान चलाते थे। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला पुलिस क्लियरेंस की जरूरत है। औपचारिक है साहब, हर इंश्योरेंस कागज पर पुलिस क्लियरेंस लगता है। हत्या औपचारिक नहीं। कविता जी, आपके पति जब सुबह सुबह मालवान के लिए निकल रहे थे तो निकलने से पहले उन्हें एक फोन कॉल आया था। आप ये बात कितनी बार दोहराएंगे इंस्पेक्टर साहब? तब तक दोहराऊंगा जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि फोन कॉल किसने किया था। वो फोन कॉल मालवान रोड और आपके पति के बीच की कड़ी है। सबसे बड़ा सुराग है ये पता लगाने का कि मिस्टर नरेश शर्मा की हत्या किसने की, क्यों की या फिर करवाई। यानी कि आपको हम पर विश्वास नहीं है? है? इसमें विश्वास ना करने जैसी कौन सी बात है? कोई बात या फिर कुछ है? क्यों मनोज, कुछ है? कविता जी, आपके पति के घर की दिनचर्या और उनकी राजनीतिक दिनचर्या के बारे में अमिताभ तिवारी को सब कुछ मालूम रहता था, लेकिन इस मालवान मीटिंग के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। शायद नरेश भैया ने बताया नहीं होगा। क्यों? भरोसा उठ गया होगा अमिताभ तिवारी पर से। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप पर सवाल किया था। साफ साफ शब्दों में आपको उस घर से जाने के लिए कहा गया, लेकिन तो भी आप गए नहीं। जान सकता हूं कि शर्मा परिवार से आपको क्या खास लगाव है? अब सब जी गंदी और भद्दी अफवाहों पर पुलिस भी विश्वास करने लगी। बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब ये सारी बात, कोई सच्चाई नहीं इन अफवाहों में। कमाल, मेरे साथ शुरू करने से पहले ही आप लोग सारे काम पातक पहुंचाते हैं। अगर ये बातें बेबुनियाद हैं, झूठ है, तो फिर आप दोनों में इतना टेंशन क्यों है? प्रताप, मुझे मनोज झा और कविता शर्मा दोनों के सेल्फोन रिकॉर्ड चाहिए। उनके हर एक कॉल को स्कैन करो, एवरी सिंगल कॉल। जी सर। सर एक और बात, उस मुरलीधर का कॉन्टैक्ट मिल गया है जो कुरेशी और नरेश शर्मा की दुकान चलाता था, वही दुकान जिसको बेचने को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है, मुरलीधर को थाने ले आओ। सेठ, वो दुकान का क्या करें? पहले अस्थियां तो ठंडी हो लेने दो मियां, फिर उस मनोज झा से कर लेंगे सौदा। अभी तो फिलहाल वही संभालेगा नरेश भाई का सारा बिजनेस, कम से कम तब तक जब तक नरेश भाई का लड़का संभालने लायक ना हो जाए। सेठ, दुकान भी तो गिरवी रखी है। इस बिजनेस में नरेश शर्मा के साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए थी।
साथ जब बिजनेस शुरू किया था दोनों एकदम सगे भाइयों की तरह रहा करते थे। कभी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी कुरेशी जी और नरेश जी में। दोनों में प्रॉब्लम कब हुई और क्यों? सर सच कहूं तो पिछले एक साल में धंधा बिल्कुल बैठ गया था। एक तो नरेश जी का अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और ऊपर से कुरेशी जी के अपने 4-6 बिजनेस हैं। ध्यान दोनों का ही नहीं था बिजनेस के ऊपर और कॉम्पिटिशन, पिछले एक साल में 6-7 दुकानें और आई हैं। झगड़ा किस बात से हुआ? सर कुरेशी जी चाहते थे कि हम दुकान और धंधा किसी और को बेच दें और नरेश जी चाहते थे कि दुकान को ना बेचकर हम मार्केट में टिके रहें। जब धंधा बिल्कुल चल नहीं रहा था तो नरेश शर्मा दुकान बेचना क्यों नहीं चाहते थे? सर नरेश जी दुकान बेच नहीं सकते थे, उन्होंने दुकान गिरवी रखकर मार्केट से कुछ रकम उठाई थी अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए। सर कविता शर्मा और मनोज झा के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो नरेश शर्मा की हत्या की साजिश की तरफ इशारा करते हो। शायद इनके फोन कॉल साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहे, पर साजिश तो है, एक गहरी साजिश जिसके तहत नरेश शर्मा को एक जगह बुलाया गया जहां उसे गोली मार दी गई। हेलो, ऊपर से उसके पेट में नींद की गोलियां कहां से आ गई? प्रताप, यकीनन साजिश तो है। सर ये नंबर 444-687-890 अभी भी स्विच ऑफ दिखा रहा है, लेकिन सर्विलेंस जारी है सर, कल तक रिपोर्ट आनी चाहिए। नरेश शर्मा का मर्डर केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था। हत्यारे तो दूर, हत्या के कारण की तरफ भी कोई इशारा नहीं दिख रहा था। और फिर अचानक एक दस्तक गूंज उठी और ये वो दस्तक थी जो मरहूम नरेश शर्मा ने अपनी हत्या से पहले खुद दी थी। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मार डालने की साजिश रची जा रही है। मेरा एक्स बिजनेस पार्टनर M.A. कुरैशी और LN पार्टी लीडर माजिद सलाउद्दीन और कुछ बैंक अधिकारी शायद मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, जीना मुश्किल हो गया है, मुझे सुरक्षा प्रदान करें तुरंत। सर ये लेटर तो 21 अक्टूबर 2012 का डेट है, ठीक हत्या से एक दिन पहले। लेटर लिखने की बजाय फोन कर दिया होता, खुद आकर मिल लिए होते। सर कुरैशी, नरेश शर्मा का एक्स बिजनेस पार्टनर, उसे तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। अभी नया नाम आया है, LN पार्टी का लीडर माजिद सलाउद्दीन। बाहुबली है। लेकिन सर कोई बैंक अधिकारी हत्या की साजिश में, ये बात को समझ में नहीं आई सर। सर हमें नरेश शर्मा की पत्नी कविता शर्मा पर भी शक है और उनका एक दूर का रिश्तेदार है मनोज झा, उस पर भी। सर हमें लगता है कि दोनों शामिल हैं इसमें। लेकिन नरेश के लेटर में इन दोनों का जिक्र नहीं है, हो सकता है कविता और मनोज झा का मामला इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। मिस्टर नरेश शर्मा ने अपनी मौत के एक दिन पहले पुलिस प्रोटेक्शन के लिए चिट्ठी लिखी थी और ना ही मनोज झा और ना उनकी वाइफ को उनके जान के खतरे के बारे में कुछ मालूम था और ना ही उनके खास कार्यकर्ता अमिताभ तिवारी ने इस बात का जिक्र किया। तो क्या इन तीनों को जान के खतरे वाली बात नहीं मालूम थी या फिर मालूम थी और जानबूझकर हमसे छुपा रहे हैं? हेलो, मिस्टर नरेश शर्मा ने SP साहब को चिट्ठी लिखी थी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए और कहा था कि उनकी जान को खतरा है, आपको कुछ मालूम इसके बारे में? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कभी कोनो बात नहीं की उन्होंने। वैसे उनकी जान को किससे खतरा है ऐसा कुछ लिखा था क्या उन्होंने? देखिए सवाल करना हमारा काम है और बहुत जल्द ढेर सारे सवाल आपके पास आने वाले हैं। एक बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, क्या ये चिट्ठी वाकई नरेश शर्मा ने लिखी है या ये चिट्ठी भी किसी साजिश का हिस्सा है या ये चिट्ठी जाली? लगता है तकदीर ने मिस्टर शर्मा का दिमाग पर पहले से दस्तक दे दी थी कि उनकी जान को खतरा है। पर उन्होंने मुझे कभी ऐसे किसी खतरे के बारे में नहीं बताया। और इन्हें तो बताया नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप बार बार ताने मार के ये कहना चाहते हैं कि नरेश भैया की मौत में हमारा हाथ है? हम छाती ठोक के कहते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा है। जिसने भी बुरा चाहा है काम बड़ी सफाई के साथ किया। देखो जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हमारे शक के दायरे में सब रहना। बस एक बार पता चले कि लास्ट कॉल किसने किया था उन्हें और मालवान किसने मिलने के लिए बुलाया था। उनकी चिट्ठी में किसी बैंक अधिकारी का जिक्र है, क्या मतलब है इसका? ऐसा क्या कर दिया मिस्टर शर्मा ने उसके साथ कि उसका खून का पैसा हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैडम हमें नरेश शर्मा के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए, हम पता लगाना चाहते हैं कि वो कितने हवा में थे और कितने पानी में। आ,
हेलो माजी साहब, सलाम। इंस्पेक्टर सैनी बोल रहा हूँ, फतेहपुर थाने से। हाँ सैनी साहब, फरमाइए, कैसे याद किया? जरा आपसे मिलना था माजी साहब। हाँ हाँ, कभी भी आ जाइए, या आप कहें तो हम आपके थाने चले आते हैं। लेकिन किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं दरोगा साहब? नरेश शर्मा मर्डर केस के सिलसिले में। उसमें आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? दरअसल माजिद मियां, नरेश शर्मा को अपनी जान का खतरा था। किससे? आपसे। और ये बात उन्होंने खुद कही है। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमसे कि अपनी मौत में हमारा नाम भी घसीट गया? जी जी बिल्कुल, बस मैं पहुंच ही गया, समझिए जी। एक तो इतना बड़ा धोखा किया हमसे, और अब अपनी मौत में भी फंसा रहा है ये आदमी। अब ये बैंक का माजरा क्या? हमें क्या पता, हमसे तो बात ही करना बंद कर दिए थे। हर बात के लिए अमिताभ तिवारी ही याद आता था भैया को, उसी को पता होगा। हाँ भाभी जी बोलिए। ये बैंक वाली बात क्या चल रही है? उन्हें किसी बैंक मैनेजर से खतरा था? कैसी बकवास है, ऐसा कभी होता है? ये सब के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता, तुम तो उनके सबसे करीब थे ना। वो तो ठीक है भाभी जी, पर हमें ये बारे में दो चार लोगों से बात करनी होगी, पर ये वक्त हम सच में कुछ नहीं जानते। अमिताभ तिवारी, झूठ बोलना बातें बनाना बंद करो। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन इस हद तक ये मुझे नहीं पता था। और एक तुम ही हो जो सारी बातें जानते हो। भाभी जी वैसे हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हमें माफ कीजिएगा। नरेश शर्मा के हर एक बैंक अकाउंट स्कैन किए, कुछ नहीं मिला। फिर वो बैंक से धमकी की बात? सर लोन तो था उस पर, टोटल 60 लाख, सूद समेत कुछ 1 करोड़ का लगभग। प्रताप, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। हो सकता है बैंक वाले उसके पीछे लगे हों पैसा लुटाने के, और हो सकता है बैंक ने जान से मारने की धमकी भी दी। सर हो सकता है धमकी किसी और ने दी और ट्रिगर दबाने वाला हाथ कोई और हो सकता है ट्रिगर दबाया ना गया हो, बल्कि किसी ने दबाने पर मजबूर किया हो। और उधर नरेश शर्मा की पत्नी कहती है कि उनकी किसी से दुश्मनी थी ही नहीं, एक से भी नहीं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आप कस्बे में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे उनकी बहुत जमती थी। और हम जितना खोद रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक दुश्मनियां, अनबन, झगड़े निकलते जा रहे हैं। और हाँ, घर पे भी शांति नहीं थी, एक खास आदमी को दूर करने पर तुले हुए थे। और तो और, मिस्टर नरेश शर्मा के अनुसार कुछ बैंक अधिकारी उन्हें मौत की धमकी दे रहे थे, और ऊपर से नींद की गोलियों वाला रहस्य, कट्टे से चलाई गई गोली और गला दबाकर की गई हत्या। अजीब सी खिचड़ी बनती जा रही है प्रताप। हेलो सर, 444-687-8-90 वो नंबर ट्रैक हो गया। हेलो, किसका है? सर नरेश शर्मा का। नरेश शर्मा खुद? यस सर, वो सिम कार्ड नरेश शर्मा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, एड्रेस भी उन्हीं का है। सर सिम कार्ड नरेश शर्मा का ही है और एड्रेस भी उसी का है, 444-687-8-90। कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा प्रताप, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कहानियां बना रहा है, और किसी ने किसी को ट्रिगर दबाने पर मजबूर किया है। जाहिर है कि नरेश शर्मा मालवा रोड पर किसी का इंतजार कर रहा था। मालवा जो फतेहपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वो रहस्यमय इंसान कौन था जिससे नरेश शर्मा मिलने गया था? ऐसा माना जा रहा था कि उसी शख्स ने नरेश को फोन भी किया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिरी कॉल वाला नंबर खुद नरेश के नाम पर रजिस्टर्ड था, और एड्रेस भी नरेश शर्मा का ही था। जो दिखाई देता है वो अक्सर होता नहीं, और जो वाकई होता है वो दिखाई नहीं देता। इस रहस्यमय केस में साजिश क्या थी, और नरेश शर्मा की मौत से किसे फायदा होने वाला था, और कितना फायदा होने वाला था, और जिस हाथ ने गोली चलाई वो हाथ कांप क्यों रहा था? कल रात हम आपको दिखाएंगे फतेहपुर यूपी की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस दास्तां का दूसरा और आखिरी भाग। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद।